डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स अस्पताल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था अभी, उसमें हेडलाइंस में कहा गया कि तीसरी वेव में बच्चों के लिए खतरा हो सकता है और टास्क फोर्स बनाई जाएगी। अब आप क्योंकि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जरा बताइए उन्हें कि ये दूसरी वेव जहां पर कर्नाटक में 15 दिन में 20,000 केस आ गए तकरीबन बच्चों के लेके, या तीसरी जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है, कैसे बच्चों को हम बचाएं, क्योंकि बच्चे हैं तभी शायद माँ बाप की खुशी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बच्चों के लिए अभी भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो 18 साल से ऊपर है। बच्चों पे वैक्सीन के सिर्फ ट्रायल स्टार्ट हुए हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले ट्रायल स्टार्ट हुए हैं, 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक। और ट्रायल के रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे, उसके बाद उनका अप्रूवल होगा। तो लगभग 6-8 महीने हमें अभी वैक्सीन के लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे ध्यान रखें बच्चों का। तो तरीका यही है कि बच्चों को बाहर बिल्कुल कम से कम एक्सपोज करें, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बाहर व्यक्ति जाता है, घर का कोई व्यक्ति, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी घर में बाहर जाकर काम करता है, तो बाहर घर आने से पहले घर के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल की SOP लागू करें कि अगर आप घर से बाहर आते हैं तो आप बाहर के कमरे में किसी में हाथ मुंह पूरा हैंड हाइजीन करके नहाते, उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद ही बच्चों से मिलें। और घर में भी मास्क पहने, जैसे हम बार बार कह चुके हैं, बिकॉज पता नहीं है कौन सिम्टोमेटिक है, कौन एसिम्टोमेटिक, कौन इन्फेक्शन का कैरियर हो सकता है। इवन जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए घर में भी मास्क पहने और बच्चों से थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टेंस बना के रखें। बच्चों को सिखाएं हैंड हाइजीन क्या होता है, बच्चों को दिखाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन करते हैं। बच्चे बड़े अच्छे से पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, तो अगर हम अभी से उनके कल्चर में डाल देंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे घर के अंदर हमें नियंत्रित करना है, कैसे घर के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो शायद लॉन्ग टर्म में खाली कोविड नहीं, दूसरी अन्य बीमारियों से भी हमें काफी हद तक बचाएगा। और दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर बच्चे में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कि बच्चों में सिम्टम्स थोड़े अलग तरह के हैं, एडल्ट्स में तो सिम्टम्स आते ही हैं, तो बड़े बच्चों में लगभग सेम होते हैं, बट छोटे बच्चों में काफी, जो टॉडलर बच्चे हैं उनमें खांसी जुकाम बुखार है, गले में दर्द है, पेट दर्द है, लीन मोशन वॉमिटिंग, ये तो हो ही सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे बच्चे में एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक, ऐसे जैसे बच्चा लिथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, एपेटाइट ठीक नहीं होगी, या इरिटेबल बहुत सारा हो जाएगा, प्लेफुल नहीं होगा, स्किन में रैश हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों में एक नया सिंड्रोम देखा गया, जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, जो जैसे कावासाकी डिजीज होती है हार्ट की, वैसा देखा गया। उसमें सीरियस बच्चे हो जाते हैं और उसमें जो है बच्चे में हाई ग्रेड फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्किन में रेडनेस हो जाना, होंठ लाल हो जाना, आंखों में कंजक्टिवाइटिस, उम्मीद है कि जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे उन्हें काफी मदद मिली होगी। KN तिवारी जी हमारे साथ हैं जौनपुर से, सवाल पूछे सर। हाँ जी, एक्चुअली हमारी मिसेज को सोराइसिस है जी, तो क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं क्या? डॉक्टर डीके गुप्ता, ये बहुत ही नॉर्मल सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया होगा। चाहे सोरियसिस हो, चाहे सोरियटिक आर्थराइटिस हो, या नॉर्मल आर्थराइटिस हो, या किसी को किडनी डिजीज है, किसी को दिल की बीमारी है, या फेफड़े की बीमारी है, किसी को अस्थमा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई भी स्किन एलर्जी है, इन सब केसेस में आपको वैक्सीन जरूर लगवानी, बिकॉज ये सब कोमॉर्बिडिटीज होती है। अगर इनमें वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है, आपको वाइफ को इन्फेक्शन होता है, तो उसमें के अंदर चांसेस है कि बीमारी ज्यादा सीरियस होगी, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी, तो क्या करते हैं, वैक्सीन तुरंत लगवाएं जी। अगले कॉलर रामू हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। रामू जी सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर, बच्चे के लिए अभी क्या उपाय करना है? अभी पूरी डॉक्टर साहब ने डिटेल में बात समझाई थी, और यही है कि जो कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें आप जो पालन करना है, वही चीजें आपको बच्चों को सिखानी, यही बात डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार समझाई थी। अब कई और सवाल, इसलिए मैं इस सवाल का वक्त जाया नहीं करूंगा। गौरव जो है दिल्ली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, सवाल पूछिए। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली मेरी 3 महीने पहले मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था जी, तो मैंने वैक्सीन लगवाई है जी, कोवैक्सीन जी। तो सर, कोवैक्सीन लगाने के बाद एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव होता हूँ तो सर एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी तरह की मेजर? नहीं नहीं, एक तो मैं पहले बताऊं कि किसी को भी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 15 दिन बाद वैक्सीन लगवा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। और दूसरी बात जो है कि अगर आपको कोई कोविड की जी ये 30 ये